अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जनाब, किस क्लास में हैं हम अभी मौजूद? हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और जी, उर्दू की क्लास में आज हमारे पास क्या काम है, क्या काम कंप्लीट करेंगे आज हम? तो हम आज क्या करेंगे? आज हम अपने चैप्टर की एक और नई मश्क, एक और नई एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है चैप्टर कौन सा है? जी हाँ, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 और हमारे चैप्टर का नाम है पुल से मुलाकात। और इस चैप्टर से हमने अब तक काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस मुकम्मल कर ली हैं। उम्मीद है आपने भी अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हमें क्या करना है, इसके लिए आप जल्दी से क्या कीजिए कि अपनी बुक का पेज नंबर 30 सफ़ा नंबर 30 ओपन कर लीजिए। ठीक है, ओपन कर लिया सबने? वेरी गुड। तो आपके पास पेज नंबर 30 पे क्या है? हमारे पास मौजूद है एक ग्रामर की एक्सरसाइज, ठीक है, जो है सरगर्मी नंबर 2। आपको मैंने पिछली क्लास में साबके और लाहके के बारे में समझाया था। ठीक है, तो आपको याद है साबके और लाहके क्या होते हैं? चले एक छोटा सा रिव्यू करवा देती हूँ, जल्दी से आपको बता देती हूँ कि साबके क्या होते हैं। कि लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाकर उससे नया लफ्ज़ बनाया जाए तो वो साबका कहलाता है। ठीक है, जो शुरू में लगाया जाए वो साबका कहलाता है और जो लफ्ज़ के बाद यानी आखिर में लगाया जाए तो वो लाहका कहलाता है। ठीक है ना, यानी हम शुरू में कोई एक नया लफ्ज़ लगाते हैं लफ्ज़ के साथ तो हम क्या करते हैं, हमारा एक नया लफ्ज़ बन जाता है। और इसी तरह जब हम कोई अलामत किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाते हैं तो उससे एक नया लफ्ज़ बनाया जाए तो उसे हम लाहका कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी, काफ़ी सारी बातचीत हमने की थी और साथ साथ इसकी हमने एक एक्सरसाइज भी की थी। ठीक है, तो इसी से मुतालिक आज हमारे पास जो सरगर्मी नंबर 2 है वो मौजूद है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारी सरगर्मी नंबर 2 में क्या है। ठीक, अच्छा जी, चलिए पढ़िए मेरे साथ कि यहाँ क्या लिखा है। दर्ज ज़ेल दायरे में से सही लफ्ज़ नीचे दिए हुए साबके और लाहके के सामने लिखिए और नया लफ्ज़ बनाइए। एक मिसाल भी दी जा रही है। ठीक है, कौन से लफ्ज़ हैं हमारे पास सामने? सब्ज़ा, हुनर, अकल, शान, जान, पेशा, ताकत, तमीज़ और इखलाक। जी, तो यहाँ पे जो ये दायरा बना हुआ है इसमें हमारे पास कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं और नीचे दिए हुए साबके और लाहके के सामने इन अल्फाज को लिख के हमें नया लफ्ज़ बनाना है। यानी हमें ये देखना है कि आपको तो पहले ये देखना पड़ेगा कि अल्फाज तो हमारे पास सारे मौजूद हैं, अब हम कौन सा साबका, कौन सा लाहका, किस तरह हम नए अल्फाज बनाएंगे, ये सारे काम हमें देखने हैं। हमारे पास नीचे जो यहाँ पे अल्फाज मौजूद हैं ये क्या हैं, चलें ये पढ़ते हैं। जार, मंद, मंद, दार, दार, वर, वर, बद, 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 बद। ठीक है जी, तो यहाँ पे उन्होंने मिसाल क्या दी है, हमें मिसाल ये दी है कि यहाँ लिखा है लफ्ज़ ज़ार। ठीक, यहाँ ऊपर जो ये दायरा बना हुआ है इसमें से हमने यहाँ पे एक लफ्ज़ लिया सब्ज़ा। ठीक है, सब्ज़ा के साथ हमने ज़ार को मिलाया तो एक नया लफ्ज़ बन गया हमारे पास, सब्ज़ा ज़ार, सब्ज़ा ज़ार। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ज़ार जो है यहाँ पे सब्ज़ा ज़ार में, ज़ार जो है ये साबका है या लाहका है, क्या कहलाएगा? क्या कहा आपने? लाहका। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ज़ार आखिर में लग रहा है तो हमने इससे एक सब्ज़ा साथ लगाया और एक नया लफ्ज़ बनाया सब्ज़ा ज़ार, तो ज़ार जो है ये हमारा लाहका है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास लफ्ज़ मौजूद है मंद, मंद। अब ज़रा मुझे बताइए कि मंद के साथ हम ऊपर कौन सा लफ्ज़ लगाएं जिससे हम एक नया लफ्ज़ बना सकते हैं मंद के साथ मिला के, बताइए जल्दी से। मंद के साथ हम मिला देते हैं अकल। ठीक है, अकल मंद,
क्या बन गया? अकलमंद। अकलमंद क्या बन गया? अकलमंद। अच्छा जी, एक और लफ्ज़ हमारे पास यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है, मंद। अब इसके साथ कौन सा लफ्ज़ लगाएं? ज़रा दायरे में से सोचिए कि कौन सा लफ्ज़ लगाया जाए और एक नया लफ्ज़ बनाया जाए यहाँ मंद के साथ। हम बना लेते हैं हौसला मंद। क्या बन गया? हौसला मंद। ठीक है, हौसला मंद क्या बन गया हमारे पास? हौसला मंद। फिर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है दार। दार, अब दार के साथ हम क्या लगाएं? ज़रा दायरे में मौजूद अल्फाज देखिए। दायरे में हमारे पास है जान। चले हम जान के साथ लफ्ज़ बना लेते हैं। जानदार, जानदार क्या बना हमारे पास लफ्ज़? जानदार। जी हाँ, अच्छा एक दफ़ा और इन्होंने दार लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब हम दार के साथ क्या लफ्ज़ बनाएं? अच्छा और सोचिए ज़रा, और दार के साथ कौन सा लफ्ज़ बन सकता है भाई? जालीदार हो सकता है, कोई चीज़ जाली वाली हो उसे हम कह सकते हैं जालीदार। ठीक है, ये भी लफ्ज़ हम बना लेते हैं। अच्छा फिर हमारे पास है लफ्ज़ वर। वर, अब दायरे में से कौन सा लफ्ज़ देखें हम वर के साथ लगाने के लिए? तो ताकत। जी चले, ताकतवर, ताकतवर क्या लफ्ज़ बन गया हमारे पास? ताकतवर, शाबाश। अच्छा एक और वर लिखा हुआ है, तो इसके साथ हम क्या बनाएं? ज़रा देखिए अल्फाज को, कोई अल्फाज है जिसे हम वर के साथ मिला दें? जी चले, हम एक काम करते हैं, हम और भी तो लफ्ज़ बना सकते हैं ना हमारे जहन में, तो मेरे जहन में और भी लफ्ज़ आ रहे हैं कि भाई वर के साथ हम और क्या बनाएं। तो मेरे जहन में आया कि हम वर के साथ बना लेते हैं दानिश्वर। ठीक है, दानिश्वर, दानिश्वर। फिर हमारे पास है बद, तो बद के साथ हम क्या बनाएं? बदतमीज़। क्या बन गया? बदतमीज़। अब यहाँ पे बद साबका है क्योंकि ये लफ्ज़ से पहले लग रहा है। ठीक है, इसके बाद बद मौजूद है, एक और दफ़ा उन्होंने लिखा है बद। अब हम बद को साबके के तौर पे इस्तेमाल करें तो इसके साथ क्या लफ्ज़ लगाएं? बहुत आसान, हम बहुत ज़्यादा इस अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, बदबू। क्या बन गया? बदबू। ठीक है, तो आज हमने क्या काम किया? आज हमने हमारे किताब के सफ़ा नंबर 30 पे, 30 पे जो एक मश्क मौजूद है सरगर्मी नंबर 2, आज हमने वो मुकम्मल कर ली जो थी साबके और लाहके के बारे में। तो आपने अपना ये काम जल्दी से कंप्लीट करना है अपने कॉपीज़ में या अपनी बुक्स में, और उसके बाद अपने काम की पिक अपने टीचर को सेंड करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। Thank you.